ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। शारीरिक और मानसिक कष्ट से अगर आप बचना चाहते हैं या इनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही शनि देव को प्रसन्न करने की कोशिशें कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शारीरिक कष्ट इस युग में बहुत बड़ी परेशानियां हैं। मानसिक कष्ट तो हर एक व्यक्ति के साथ जीवन में चलता ही रहता है और शनि जो है इन सभी के पीछे एक बहुत बड़ा ग्रह है जो शारीरिक और मानसिक कष्ट किसी भी जातक को प्रदान करता है। तो आप आज इस वीडियो के माध्यम से ये समझ लीजिएगा कि शारीरिक और मानसिक कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए शनि देव को कैसे प्रसन्न करें। आपके भी कोई काम कभी बनते ही नहीं है, बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन काम ही नहीं बन पा रहे। हमारे जीवन में लोग धोखा, छल कपट और लोग इस तरह के व्यवहार कर देते हैं कि जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। बेफिजूल के विवादों में हम फंस जाते हैं, साथ ही साथ ओवर थिंकिंग करने से हम कब खत्म होगा, हम बहुत ज्यादा सोचते ही रहते हैं, चीजें समझ ही नहीं आती। हम जितना ज्यादा किसी चीज पर पहुंचना चाहते हैं वो चीजें और दूर होती जाती है। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि जिन पर बहुत यकीन किया उन्हीं लोगों ने हमारे साथ धोखा दिया। साथ ही ये भी होता है कई बार जातकों के साथ की पूरी जाँच करा ली बॉडी की, कुछ नहीं निकला लेकिन फिर भी शारीरिक समस्या उनके साथ है। समझ ही नहीं आती कि ये कैसी शारीरिक समस्या है। तो शारीरिक समस्या जो मेजर हो चुकी है, जो आपका डायग्नोस हो चुकी है या जो नहीं भी हो चुकी है, और दूसरी बात कि मानसिक मनोरूप पर ओवरथिंक करना, डिप्रेशन में रहना, तनाव में रहना, चीज़ों में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहना, बहुत नेगेटिव सोचते रहना, ऐसी परेशानियों में शनि के चीज़ों को ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए। आप सभी से एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें, और आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चली रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। सबसे पहला काम आपको करना है कि अगर किसी भी जातक के ऊपर शारीरिक या मानसिक कष्ट चल रहा है तो उसके ऊपर से नमक में पानी डालें, और पानी में नमक डालकर, माफ कीजिएगा, 7 बार उतार दें रेगुलरली। ये 10 दिन तक इस उपाय को आपको करना ही है। किसी तिराहे पर फेंक दें या अपने घर से बाहर उस पानी को फेंक दीजिए। दूसरा उपाय ये करें कि कम से कम 7 नारियल लें, 7 नारियल भी व्यक्ति के ऊपर से उतारें और बहती नदी में आप फेंक दीजिएगा। तीसरा करना है कि कोयला, खड़ा कोयला बाजार में आसानी से मिलता है, और खड़ा नमक, दोनों नमक लें, एक काली पोटरी में बांधे, काली कपड़े में बांधे, और बांधने के बाद जिस भी जातक को परेशानी है 21 बार उतार कर वो बहते नदी में फेंक दीजिएगा। ये सभी शनि के दान है, ये कोई टोटके नहीं है या कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये सिर्फ हमारे जो शरीर में, हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उस ऊर्जा को बाहर करने का एक प्रोसेस है। इस तरीके से इसे गलत वे में न लें। अगला जो है, नियमित बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने से बहुत बहुत फायदा व्यक्ति को मिलता है। और जब कभी भी मानसिक अचेतना या मानसिक रूप से आप पीड़ाएं झेल रहे हैं तो गीता का पाठ करना शुरू करें। नियमित अपने जीवन में गीता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सुबह 1 अध्याय का पाठ करें, शाम को 1 अध्याय का पाठ करें, और नहीं तो 11वें अध्याय का पाठ तो रेगुलर करना की आदत डाल ही लीजिएगा। बस यही तरीका है जो आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी शारीरिक और मानसिकता से बाहर आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।